हर हर महादेव बोल बम। दोस्तों आप लोग दर्शन कर सकते हैं चिड़का धाम का, और ये है बंगला का लास्ट सोमवार, और लास्ट सोमवार पे आप फाइनली देख सकते हैं। अभी रवि भी पहुंच चुका है चिड़का धाम, और यहाँ पे मस्त सजे हुए हैं। हर हर महादेव बोलबम। दोस्तों मैं फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो को लेके आया हूँ। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग, दामोदर ब्रिज, जो कि आज मैं दामोदर ब्रिज से चिड़का धाम तक संपूर्ण पैदल यात्रा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरह से भीड़ है, ये आप पीछे में देख पा रहे हैं। और अभी हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है जिसके कारण शूट नहीं कर पा रहे ढंग से, बट चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि आप लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आप लोग देवघर का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देवघर का वीडियो देख सकते हैं। और हमारे साथ है आज नायक भैया। आज का भीड़ कैसा लग रहा है? काफी ज्यादा क्राउड है, और अभी हम लोग दामोदर ब्रिज में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे सभी जल यात्री यहाँ से जल उठा करके बाबा चिड़का धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू रहेगा चैनल पर, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, देख पा रहे संकल्प करते हुए। और यहाँ दामोदर ब्रिज के आप लोग भीड़ देख सकते हैं अभी, और जितने भी बम हैं उन लोग सबको ही नहाते हुए, और उस साइड भी आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह का भीड़ है। दोस्तों हर एक जगह पे फैला हुआ है, इसीलिए आप लोगों को भीड़ उस तरह का दिख नहीं रहा है। यदि आप ऐसे ही आते तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देख पा रहे हैं उस साइड में भी भीड़ है, साथ में उस साइड में भी भीड़ है, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, बट है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख पा रहे हैं आप लोग। आप लोगों ने यहाँ पे देखा किस तरह का भीड़ है। अब हम लोग जा रहे हैं स्नान करने, फिर जल जो होता है उसको संकल्प किया जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे चिड़का धाम की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, और सारा प्रोसेस आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बबलू केडी बबलू अब फाइनली दामोदर ब्रिज की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ से जल उठा करके बाबा चिड़का धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग जल संकल्प कर लिए, और अब हम लोग निकल रहे हैं क्या तो चलते हैं। और रास्ते पे जो कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा सारा चीज मैं कोशिश करूंगा कि बारीकी से दिखाने का। तो चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर, ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से बोल बम। दोस्तों यहाँ पे जितने भी जल यात्री हैं देख पा रहे हैं आप लोग, संकल्प कर रहे हैं और बोलबम का नारा लगाते हुए, कितना भव्य आप लोग देख सकते हैं नजारा है। सब एक उमंग के साथ सब कोई नारा लगाते हुए बोलबम, बोलबम का। देख पा रहे हैं आप लोग, शोर शराबा आप लोगों को मिल रहा है।
रहा है। हम लोग कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दामोदर ब्रिज से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग चलते हैं और एक्सरसाइज लेते हैं आपका भूतनाथ मंदिर, वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से भीड़ रहेगा जितने भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग और वहाँ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। भूतनाथ मंदिर का कुछ देख सकते हैं अभी का भीड़, और सबको यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे पूजा करके ही आगे की ओर बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग भीड़, ये रहा भूतनाथ मंदिर का। भूतनाथ मंदिर पे आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह का भीड़ है, जितने भी श्रद्धालु हैं उन लोग यहाँ पे आके अगरबत्ती जलाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग किस तरह से भीड़ है, ये रहा मेन द्वार। तो गाइस अब हम लोग भूतनाथ मंदिर से निकलकर आगे की ओर चलते हैं, और अभी भी आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह का भीड़ है, और इस बार काफ़ी गजब का यहाँ पे भी भीड़ देखने को मिला। कम से कम लाखों में लोग जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो चलते हम लोग आगे की ओर। ओ बोल बोल, अभी हम लोग जोधाटी मोड़ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उतना ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोग काफ़ी पीछे हो गए हैं, और हमारे साथ है शर्मा भाई, हाय कर दो। तो चलते हम लोग, यहाँ जाने के बाद आपका क्या आता है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में फिर अच्छा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलते हम लोग आगे की ओर। अभी हम लोग पार कर रहे हैं पिंडरा जोरा थाना, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था है लाइट का भी, और अभी हो रहा है बज रहा है अभी 2 बजने ही वाला है, और देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से, और वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पा रहे क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और साथ में थक भी बहुत ज़्यादा गए। तो चलिए हम लोग चलते हैं चास रोड, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बंगाल, और ये रहा चास रोड का कुछ, अभी आप लोग रात का नज़ारा देख रहे हैं, अभी हो रहा है 4 बजने ही वाला है, और यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, अंदर पे और ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं इस साइड से, हम लोगों को अंदर की ओर जाना है। दोस्तों फाइनली हम लोग नहा भी लिए, और देख पा रहे हैं अभी प्रसादी हम लोग ले लिए जो कि अभी संकल्प करने वाले हैं, साथ में एक एक नारियल भी है। तो अब हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर, और सुबह होने ही वाले हैं, देख सकते हैं मतलब अभी बज रहा है 5:30, मतलब 6 बजने ही वाला है, और 6 बजे हम लोग इन कर रहे हैं अभी चिड़का धाम मंदिर की ओर।
तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से चिड़िका धाम पे अभी भीड़ है। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है द्वार और यहाँ से हम लोग चिड़िका धाम प्रवेश करेंगे और प्रवेश द्वार पे आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से भीड़ है। फाइनली हम लोग देख सकते हैं, संकल्प भी कर लिए और अभी आप लोग भीड़ देख सकते हैं। चिड़िका धाम का भव्य है, मतलब इस बार का बंगला का ये लास्ट सोमवार है और लास्ट सोमवार में लाखों का भीड़ है यहाँ पे, जितने भी पैदल यात्रा किए हुए हैं। आइए मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ कि किस तरह से भीड़ है। हर हर महादेव बोल बम। दोस्तों आप लोग दर्शन कर सकते हैं चिड़िका धाम का और ये है बंगला का लास्ट सोमवार और लास्ट सोमवार पे आप लोग भीड़ देख सकते हैं गौरीनाथ धाम पे किस तरह का भीड़ है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव बोल बम। अब हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर पे पहले जाके हम लोग जल चढ़ा लेते हैं। चिड़िका धाम पहुंच चुके हैं बबलू भाई मेरे, आया बहुत ही अच्छा लगा। तो इनके ब्लॉग में शुरू साल तक बने रहे, ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव बोल बम। दोस्तों फाइनली हम लोग खरीद भी लिए प्रसाद वगैरह घर के लिए, माला वगैरह। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों यदि आप लोग देवघर का वीडियो मेरे चैनल पे नहीं देखें तो जाकर एक बार ज़रूर आप लोग देखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव बोल बम।